और ये सब की बड़ी खबर आपको बताते हैं। अमेठी और रायबरेली से जुड़ी हुई बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। सोर्सेज के हवाले से बड़ी खबर है, प्रियंका गांधी रायबरेली से लड़ सकती हैं चुनाव। प्रियंका गांधी 1 या 2 मई को कर सकती हैं नामांकन। देखिए, इसी बात की लगातार चर्चा की जा रही है कि इस बार सोनिया गांधी की जगह प्रियंका गांधी जो है वो रायबरेली सीट से अपनी चुनावी शुरुआत कर सकती हैं। कल प्रियंका गांधी के रायबरेली पहुंचने की भी चर्चा है। अमेठी से चुनाव लड़ सकती हैं राहुल गांधी, ये एक और बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। राहुल गांधी 3 मई को कर सकते हैं नामांकन। अमेठी के बाद आज शाम रायबरेली पहुंचेगी कांग्रेस की टीम। अब बरेली, रायबरेली और अमेठी से प्रियंका और राहुल की चुनावी तैयारियां भी तेज नजर आ रही हैं, लेकिन अभी भी आधिकारिक ऐलान का आप इंतजार कर सकते हैं, ऑफिशियल अनाउंसमेंट आप का इंतजार कर सकते हैं, जिसमें मल्लिकार्जुन खड़गे को ही आखिरी फैसला लेना है, जिस पर तय हो जाएगा, मोहर लग जाएगी कि आखिरकार कौन अमेठी और रायबरेली सीट से चुनावी मैदान में ताल ठोकता है। लेकिन बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, जो सोर्सेस बता रहे हैं कि जो नाम तय हुए हैं, रायबरेली से प्रियंका गांधी का नाम तय हुआ है और राहुल गांधी एक बार फिर से अमेठी से चुनावी मैदान में हो सकते हैं। संदीप पांडे हमारे सहयोगी और जानकारी देंगे। संदीप पांडे, देखिए बैठक तो कल हो गई है, लेकिन अब इसकी आधिकारिक घोषणा होनी बाकी है। सोर्सेस क्या बता रहे हैं कि भाई इस बार फिर से अमेठी से राहुल गांधी ही चुनाव लड़ेंगे और रायबरेली से प्रियंका गांधी चुनाव लड़ेंगी या फिर कुछ और? देखिए, कल सीईसी की बैठक हुई देर शाम तक, इसकी बैठक और प्रस्ताव बनाकर मोदी के पास भेज दिया गया। अब फैसला मल्लिकार्जुन को करना है और उम्मीद ये की जा रही है प्रत्याशी जारी कर दी जाएगी। अभी तक चर्चा यही कि रायबरेली से प्रियंका गांधी चुनाव लड़ेंगी और अमेठी से राहुल गांधी मैदान में होंगे, लेकिन कुछ वरिष्ठ नेता कांग्रेस के हैं, उनका ये कहना है कि प्रत्याशी सीटों में फिर किया जा सकता है, लेकिन आखिरी फैसला प्रदेश अध्यक्ष को देना है, जो कि कल तक ये लिस्ट जारी कर सकते हैं। वहीं ये कहा जा रहा है कि अमेठी में दिल्ली से पहुंच चुकी है रायबरेली से भी, आज शाम और कल सुबह तक कांग्रेस कार्यकर्ताओं की कोर कमेटी जो है टीम पहुंच जाएगी। वहीं प्रियंका गांधी का फिलहाल तो अभी आधिकारिक दौरा है, वो कल का साउथ का लगा हुआ है, लेकिन रायबरेली जाने की चर्चा से जो बदलाव शाम तक प्रोग्राम में हो सकता है, शाम तक उसको क्लियर हो जाएगा कि प्रियंका गांधी साउथ में जनसभा में जाएंगी या रायबरेली जा सकती हैं। वहीं नामांकन की तिथियों की जो चर्चा है वो 1 या 2 तारीख को प्रियंका गांधी नामांकन कर सकती हैं और 3 तारीख को राहुल गांधी नामांकन दाखिल कर सकते हैं। जो अभी तक जो सोर्सेस कह रहे हैं उनसे उनके भी यही चर्चा है कि 3 तारीख को राहुल गांधी नामांकन करेंगे, लेकिन आधिकारिक ऐलान के लिए थोड़ा सा इंतजार और करना होगा। जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया संदीप आपका।